बेगूसराय जिले में बुधवार को देर शाम शहर के नौड़ंगा पुल के समीप दो मोटरसाइकिल पर सवार बेखौफ अपराधियों ने पॉपुलर हार्डवेयर के मालिक और स्टाफ को गोली मार दी। बीच बाजार में कई राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने शहर के नौड़ंगा पुल के समीप दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने पॉपुलर हार्डवेयर के मालिक और स्टाफ को गोली मार दी, जिससे पॉपुलर हार्डवेयर के मालिक एवं स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने के बाद काफी देर तक उस जगह भगदड़ मच गया। घायल व्यक्ति की पहचान नवल किशोर के पुत्र कमल किशोर और हरि कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि कमल किशोर अपने हार्डवेयर की दुकान पर था, उसी दरमियान दो मोटरसाइकिल से आए चार अपराधियों ने ताबड़तोड़ दुकान पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कमल किशोर एवं उनके स्टाफ हरि कुमार को गोलियां लगी। गोली लगने से दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। गोली जैसे ही चली उस जगह के पास काफी देर तक भगदड़ मच गया। अपराधी हथियार लहराते हुए दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से चलते बने। स्थानीय लोगों ने घायल को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद उस जगह दहशत का माहौल बना हुआ है। सभी दुकानदारों ने अपना अपना दुकान बंद कर रखा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों के द्वारा पॉपुलर हार्डवेयर मालिक और उसके स्टाफ को किस लिए गोली मारी गई है। इस मामले की जांच चल रही है। आया डायरेक्ट गाड़ी से गोली चलाया, ये वो पीछे से, उसके बाद काउंटर पे आगे चलाया। गाड़ी से तो दो गो था, तीन आदमी, तीन हुआ, बाहर से दो गो किया, अंदर से चार गो किया, काउंटर पे आके कल तो दो आदमी हुआ। एगो हमारा छोटका मालिक हुआ, एगो मुंशी हुआ, किशोर प्रसाद और हरी पॉपुलर एजेंसी। तो डायरेक्ट बोला गला लूटने के लिए, तो बस उसके पास चलते रह गया। हम आगे बाइक से गला छुआ भी नहीं। बैग वहाँ वो पीडी लाइट वाला का बैग था, उसमें सैंपल उम्पल था, वो देख बस छोड़ दिया, चला गया। हमारा नाम राम लखन कुमार और ड्राइवर है, मास्क और टोपी लगाया हुआ है, सबके पास था। तो मिल के गोली चलाया, तीसरा नहीं चला। क्षेत्र में एक पॉपुलर हार्डवेयर की दुकान है, उनके व्यवसायी हैं नवल किशोर जी, उन्हीं के पुत्र और उनका एक स्टाफ हरी। तो शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच घटना है, गोली लगने की सूचना मिली। अभी वे दोनों डॉक्टर सुख शर्मा के यहाँ हैं, उनके इलाजरत हैं। उन लोगों ने जख्मी से ही बात करने का प्रयास किया और उनके पिताजी से भी बात हुई है, और अभी वे उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम लोग अभी अपना अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि आप लोग व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, और व्यवसाय है तो व्यवसाय से संबंधित भी बात हो सकती है। हम लोग अभी सीसीटीवी अभी दुकान से बंद कर लिए हैं, वो लोग देख रहे हैं उसको, और जो भी है सभी बिंदु पे हम लोग